Hello and welcome to PS Tutorial. Today we are going to learn English Balbharati of Standard 4. Unit 1, Poem Number 1, Rain in the Night. First, I will read the poem once. You have to repeat after me. Okay, after that I will explain the poem. So let's start the reading. Raining, raining, all night long, sometime loud, sometimes soft, just like a song. There will be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make our lazy kitty wash his little feet. The roses will wear diamonds like kings and queens at court, but the pansies all get muddy because they are so short. I will sail my boat tomorrow in wonderful new places, but first I will take my watering pot and wash the pansies' faces. Kids, we have completed the reading. Now let us see the explanation of poem. So let's start. Raining, raining, all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. ये पोयम जो है वो रेन के ऊपर है, तो जो रेन हो रही है, बारिश हो रही है रात में, पूरी रात बारिश हुई, और समटाइम लाउड समटाइम सॉफ्ट। अभी आपने सुना होगा जब बारिश होती है, जोरदार बारिश होती है, जब तो आवाज आती है ना बारिश आने की, तो पोएट बोल रहा है कि बारिश जो आ रही है वो इतनी तेज आ रही है, कभी कभी स्लो आ रही है, तो उसकी जो आवाज है बारिश के पानी की वो एक सॉन्ग की तरह लग रही है, कभी फास्ट तो कभी स्लो। There will be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make our lazy kitty wash his little dirty feet. So, जब पूरी रात जब बारिश आ रही है तो सुबह क्या होगा, जो गटर्स है वो रिवर की तरह बहेंगे, रिवर मतलब नदी की तरह। जब बहुत बारिश आती है तो आपने देखा होगा ना गटर्स में पानी भर जाता है और वो नदी की तरह दिखते हैं। तो पोएट बोल रही है कि जब बारिश आज रात पूरी रात बारिश हो रही है तो कल जो है वो गटर्स जो है वो नदी की तरह हो जाएंगे, और जो रोड है एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट, और जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट मतलब रोड रस्ते, जो रस्ते जो है वो लेक की तरह हो जाएंगे, तालाब की तरह हो जाएंगे। लेक मीन्स तालाब, जो रस्ते है वो तालाब की तरह हो जाएंगे, पानी भर जाता है ना, देखा है ना हमने रोड पे कैसे पानी भर जाता है नीस तक। तो वो कहना चाहते हैं पोएट कि जो गटर्स है वो रिवर्स की तरह हो जाएंगे और जो स्ट्रीट है वो तालाब की तरह हो जाएगा, और इससे क्या होगा, उसकी जो छोटी सी लिटिल कैट है वो बहुत ही लेजी है, तो उसके पैर भी धुल जाएंगे जब वो बाहर से आएगी, पानी भरा होगा रोड पे तो उसके छोटे छोटे पैर क्या है वॉश हो जाएंगे। द रोजेस विल वेयर डायमंड्स लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट, और जो रोजेस है जब बारिश होती है रात में तो सुबह जब हम देखते हैं रोज के ऊपर पानी जमा होता है ना ड्रॉप्स की तरह, कभी कभी देखो ओस पड़ती है रात में, जब हम सुबह देखते हैं रोज या कोई भी फ्लावर हो उसके ऊपर पानी की बूंदे जमा होती है, तो वो कैसा दिखता है रोज, ऐसा लगता है कि उस पर डायमंड रखा हुआ है। तो पोएट कह रहा है कि जो रोज है वो सुबह कैसे दिखेंगे, डायमंड जैसे लगेगा, रोज के ऊपर डायमंड रखा है, जैसे राजा और रानी क्राउन पहनते हैं ना, उनके क्राउन पे डायमंड लगा होता है, उसी तरह रोज पे क्या होगा, डायमंड होगा। बट द पेंसीज ऑल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट, बट जो पेंसीज है, पेंसीज मतलब होता है सी, यहाँ पे ये जो फ्लावर्स है छोटे छोटे, ये फ्लावर्स का नाम पेंसीज है। बट द पेंसीज विल ऑल गेट मडी, बट जो ये पेंसिल्स के फ्लावर्स है, जो ये प्लांट है, ये मडी हो जाएंगे। क्यों मडी हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही अभी छोटे छोटे हैं। आई विल सेल माई बोट टुमारो इन द वंडरफुल न्यू प्लेसेस, और जो पोएट है वो बोल रही है कि कल मैं अपनी बोट चलाऊंगी, जो पेपर बोट बना के हम पानी में डालते हैं ना जब बारिश होता है, तो हम पेपर बोट बना के पानी में तैराते हैं राइट, तो उसी तरह वो क्या करेगी, कल अपने बोट को पानी में डालेगी और न्यू न्यू प्लेसेस पर जाएगी। बट फर्स्ट आई विल टेक माई वॉटरिंग पॉट,
एंड वॉश द पैंसीज फेसेस। बट उसके भी पहले मैं क्या करूँगी, वाटरिंग पॉट लूँगी और पैंसीज के जो ये फ्लावर है इसके ऊपर पानी डाल के इसे साफ कर लूँगी। ओके किड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। लेट अस रीड आउट द पोएम वंस। ओके, पोएम नंबर वन, रेन इन द नाइट। रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, समटाइम्स लाउड समटाइम्स सॉफ्ट, जस्ट लाइक अ सॉन्ग। देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट, इट विल मेक अ लेजी किटी वॉश हिज लिटिल डर्टी फीट। द रोजेस विल वेयर डायमंड्स लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट, बट पैंसीज ऑल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट। I will sail my boat tomorrow in wonderful new places, but first I will take my watering pot and wash the pansies' faces. Let's see the meaning now. See here, meaning is given. First one is gutter. You know the meaning of gutter? Channels at the edge of street that carry off water. जो रोड के साइड में पतला सा एक गटर बना होता है उसे बोलते हैं चैनल, बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें से गंदा पानी जाता है। पैंसीज, स्मॉल प्लांट्स और देयर फ्लावर्स। द फ्लावर्स हैव पर्पल येलो और वाइट वेलवेटी पीटल्स। अभी पैंसीज का मतलब होता है स्मॉल प्लांट्स जिसके फ्लावर होते हैं पर्पल कलर के, येलो कलर के या तो वाइट वेलवेटी कलर के, ऐसे टाइप्स के प्लांट को कहते हैं पैंसीज। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द पोएम। आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।